कि आज इन उत्कृष्ट विद्यालयों में जो प्रिंसिपल हैं, इन सभी प्रिंसिपलों की ट्रेनिंग हम लोगों ने IIM इंस्टीट्यूट में कराया है। इस आशा उम्मीद के साथ कि राज्य के हमारे हर बच्चे, विशेषकर यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े बच्चों को, मजदूर के बच्चों को हम कैसे शिक्षा उनको बेहतर उपलब्ध करा पाए, ताकि राज्य में जो वर्षों से चली आ रही है पिछड़ापन की समस्या, को खत्म करने वाले में हमारी आने वाली पीढ़ी का एक बहुत बड़ा योगदान साबित हो। शिक्षा एक बहुत बड़ा शस्त्र है, ये एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हर एक चीज हासिल की जा सकती है। आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था जो अभी परंपरा चली आ रही है, दो कमरों में बच्चों को शिक्षा देना, कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रति एक मजाक उड़ाने के जैसा है। आज उससे अलग हट करके एक बेहतर, एक हमारे प्राइवेट स्कूलों के कंपटीशन में, जहां आज आप लोग जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में जाने का सपना देखते हैं, मैं आशा उम्मीद करता हूं वहां के शिक्षकगणों से कि आपके स्कूल में आने के लिए बच्चों की लंबी कतार बनी रहे और हम अपने स्कूलों को इस राज्य का एक और देश का एक मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित कर सके। आपको मालूम है हम लोग फॉरेन स्कॉलरशिप भी बच्चों को दे रहे हैं, जहां बच्चे को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार दे रही है। आज हमारे स्कूल से बच्चे ना निकले, ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए सावित्री बाई फूले जैसी योजनाएं चलाई गई बच्चियों के लिए, जहां बड़े पैमाने पर बच्चियों को इस योजना से जोड़ा गया। इसके साथ साथ एकलव्य प्रशिक्षण योजना लेके आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना ला रहे हैं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ला रहे हैं, जहां आने वाले समय में बच्चों को पैसे के अभाव को लेके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर ये योजनाएं लाई जा रही हैं। आप सबको भी, बच्चों को भी आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों की पढ़ाई के लिए अब आपको पैसे की चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब इस स्कूल से निकलेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनना चाहेंगे, पत्रकार बनना चाहेंगे, इनकी भी पढ़ाई होती है और इन सब पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार आपके लिए उठाएगी। आप पढ़ाई छोड़ना बंद मत कीजिए, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग दे रहे हैं। और आगे कोई भी नौकरी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्था के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो तैयारी कीजिएगा उस तैयारी का कोचिंग का भी पैसा सरकार देगी और एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी करेंगे उसका भी राज्य सरकार आपको सहायता राशि देगी। इसलिए पढ़ाई से अब आप लोग को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं समय समय पर किसी भी समय इन स्कूलों में ऐसे रास्ते राह चलते स्कूलों में घूम आ जा सकता हूं, देख सकता हूं, औचक निरीक्षण भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग इन विषयों को बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएं और बच्चे भी आप लोग
अपने शिक्षकों का मान सम्मान को ऊंचा करने के लिए। अभी हम लोगों ने हाल में कल परसों अखबार में हम लोगों ने देखा, हम लोगों की कस्तूरबा गांधी की बच्चियों ने शायद कोई एंट्रेंस एग्जाम निकाला है, कितनी खुशी की बात है। मैं उन सभी बच्चियों से मिलूंगा और उनको जो भी समस्या होगा उस समस्या का निदान हाथों हाथ किया जाएगा आगे की पढ़ाई के लिए। इसलिए आप लोग भी पुरस्कृत होना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं कि आप लोग भी पढ़ाई कीजिए बेहतर तरीके से।